जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एससी एसटी एक्ट के बारे में। एससी एसटी एक्ट क्या है इसकी पूरी जानकारी दूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें। एससी एसटी एक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, एससी एसटी एक्ट के बारे में पूरा विस्तार से आप जानना चाहते हैं, जिसे हम अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कहते हैं, इसे हम लोग एससी एसटी एक्ट भी कहते हैं। तो एससी एसटी एक्ट है क्या, एससी एसटी एक्ट है क्या और ये किस लिए लगाया जाता है, किन लोगों पर लगता है, ये सारी जानकारी दूंगा। इसका सजा क्या है, क्या प्रावधान है, पूरा बताऊंगा। इसमें क्या संशोधन किए गए हैं, तो सारा जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए और ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा के आप लाइक जरूर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आगे आते हैं, एससी एसटी एक्ट आप देखते होंगे कि एससी एसटी एक्ट जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जितने भी है, जिसे दलित महादलित आदिवासी भी कहते हैं, तो इन लोगों को एक विशेष कानून मिला हुआ है, एक विशेष अधिकार मिला हुआ है कानून के तहत, जिस कानून का नाम मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 नाम है, जिसे हम एससी एसटी एक्ट कहते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब दलित महादलित और आदिवासी, इसके अलावा जितना भी जातियां है, ये तीनों को छोड़ दिया जाए, इसमें जो लोग आते हैं, इसके अलावा जितना भी जातियां है तो उस पर यह धारा लगता है, इन लोगों के द्वारा लगवाया जा सकता है। कब लगवाया जा सकता है, किस परिस्थिति में लगवाया जा सकता है, तो सारा मैं बता रहा हूं अभी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है, एससी एसटी एक्ट जो है ये कानून का दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि आपसी रंजिश भी होता है, या फिर कभी जमीन विवाद है, किसी पैसे के लेन देन का विवाद है, या फिर पड़ोसी से झगड़ा का विवाद है, या फिर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है, तो अगर वो अदर कास्ट का है, दूसरे जाति का है, एससी एसटी एक्ट का मतलब आप समझ लीजिए कि ये जरूरी नहीं कि स्वर्ण पे ही लगेगा, ये ऊंची जाति पे ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पिछड़ी जाति पे भी लगेगा, अदर रिलीजन वालों पर भी लगेगा, मतलब दूसरे धर्म के लोग है उस पर भी लगेगा, सिर्फ एससी एसटी को छोड़कर जितने भी जाति है उस पर ये एक्ट लगेगा। अब क्यों लगेगा, किस किस परिस्थिति में लगेगा, तो कब लगेगा कि एससी एसटी को अपमानित करना एवं मलमूत्र खिलाना, मतलब कि दलित महादलित आदिवासी को आप अपमानित करते हैं, उसे मलमूत्र खिलाने का प्रयास करते हैं, या फिर सामाजिक बहिष्कार करते हैं, मतलब समाज से उसे अलग करते हैं, जैसे होता है कि अलग कर देते हैं कि इसके यहाँ लेन देन नहीं करना है, इसके साथ खाना पीना नहीं खाना है, इसको कोई सामान नहीं देना है, सामाजिक बहिष्कार उसे कर देते हैं, इस पर भी एससी एसटी एक्ट आप पर लगेगा। कारोबार से इनकार, उसके साथ किसी भी प्रकार का कारोबार से आप इनकार करते हैं इस आधार पर कि वह एससी एसटी है, दलित महादलित या आदिवासी है, इसीलिए उसके साथ कारोबार नहीं किया जाए, कोई बिजनेस नहीं किया जाए, तो फिर आप पर एससी एसटी एक्ट लगेगा। या फिर आप दुकान खोल रखे हैं, आपके यहाँ सामान लेने आ रहा है, आप मना कर देते हैं इस आधार पर कि वो दलित महादलित आदिवासी है, तो फिर ये आप पर लगेगा। इसके अलावा काम न देना, मतलब एससी एसटी होने के कारण आप उसे काम नहीं देते हैं, नौकरी पर नहीं रखते हैं, अगर उसे नौकरी पर नहीं रखते हैं एससी एसटी होने के कारण, या फिर एससी एसटी के द्वारा जो कोई सेवा दिया जाता है मतलब कोई काम किया जाता है, उस सेवा से आप इनकार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि एससी एसटी है तो इनकार करते हैं, तो फिर ये सेक्शन आप पर लगेगा। इसके अलावा उनके घर के आसपास या परिवार में उन्हें अपमानित करना, मकान छोड़ने के लिए मजबूर करना, उसको घर के आसपास आप अपमानित करते हैं, या फिर उसे बेइज्जती करते हैं, 10 लोग के सामने ये बोलते हैं कि तुम फलाना जाति के हो, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, तो फिर एससी एसटी आप पर लगता है, या फिर उसे मकान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, आपके मोहल्ला में रहता है 2-4 घर है एससी एसटी का, दलित महादलित आदिवासी का, आप उसे परेशान करते हैं किसी भी वजह से, गाली बकते हैं, उसे धमकी देते हैं, दबंगई करते हैं, मकान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, तो फिर आप पर एससी एसटी एक्ट लगेगा। इसके अलावा उन्हें नंगा करना, किसी कारण से होता है डाइन वाइन का आरोप लगाकर, या फिर किसी तरह के तांत्रिक आरोप लगाकर, पहले देखते होंगे कि लोग उसके मुंह पर ताली पोत देते थे, उन्हें नंगा कर देते थे, सार्वजनिक अपमान कराते थे, उसका सर मुंडा के पूरा गांव में घुमा देता था, ऐसा अत्याचार शोषण पहले होता था दलित के साथ, ये सच्चाई है, क्योंकि दलित शोषित वर्ग शुरू से है, उनके साथ पहले अत्याचार होता था और इसीलिए ये कानून बनाया गया, किसी ने किसी तो मजबूरी में ही कानून बना 1989 में। तो आपको बता दूं कि उन्हें नंगा करना, काली खोदना, सार्वजनिक अपमान करना, या फिर जमीन पर जबरन कब्जा करना, कोई भी एससी एसटी का जमीन है, कहीं पर प्रॉपर्टी है, उस पर जबरन कब्जा करते हैं, या फिर कब्जा करने का प्रयास भी करते हैं,
तो एससी एसटी एक्ट आप पर लगेगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे राज्यों में, भारत के बहुत सारे राज्य, सिर्फ 4-5 राज्य को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे राज्य ऐसा है जहां ये भी कानून बना हुआ है कि एससी एसटी का जमीन सिर्फ एससी एसटी ही खरीद सकता है, दूसरा वर्ग नहीं खरीद सकता है, दूसरी जाति का लोग नहीं खरीद सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, आपको बता दूं, झारखंड में है, राजस्थान में है, एमपी में है, इन सभी जगहों पर है कि एससी एसटी का जमीन आप बिना कलेक्टर के परमिशन से नहीं खरीद सकते हैं। एससी एसटी का जमीन कोई एससी एसटी ही खरीद सकता है, मतलब दलित महादलित का जमीन, आदिवासी का जमीन आपस में ही खरीद बेच किया जा सकता है, दूसरा नहीं खरीद सकता है। यहाँ तक भी कानून बना हुआ है, जिस पर मैं वीडियो पहले से बना चुका, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहले ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद वो देखना चाहते हैं तो अभी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि बंधुआ मजदूरी करवाना, भीख मांगने के लिए मजबूर करना, ये सब भी एससी एसटी एक्ट के अंदर में आता है। जबरदस्ती किसी एससी एसटी से मजदूरी करवा रहे हैं, मतलब उससे मजदूरी करवा रहे हैं, जबरदस्ती काम करने के लिए उसको प्रेशर कर रहे हैं कि मेरे यहाँ काम करना होगा, या फिर भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या फिर वोट देने से रोक रहे हैं, उसे वोट देने से अगर रोका जा रहा है, या फिर उसे ये मजबूर किया जा रहा है कि फला व्यक्ति को ही वोट देना है, फला पार्टी को ही वोट देना है, इस पर भी एससी एसटी के तहत वो आप पर मुकदमा कर सकता है, फिर केस कर सकता है, एससी एसटी आप पर लग जाएगा। सार्वजनिक जगह पर जाने से रोकना, कोई भी सार्वजनिक जगह पर जाने से उसे मना करते हैं, रोकते हैं, जैसे पार्क हो गया, स्कूल हो गया, कोई मैदान हो गया, सार्वजनिक जगह इसे ही कहते हैं, वहां जाने से अगर आप रोकेंगे उसे तो भी आप पर एससी एसटी लगेगा। यहाँ तक कि सिर्फ जाति सूचक शब्द बोल के भी आप उसे गाली बकते हैं, अपमान करते हैं, तो आप पर एससी एसटी एक्ट लगेगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आप किसी दलित का, महादलित का, आदिवासी का सर फोड़ देते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई होता है, उसमें वो घायल हो जाता है बुरा तरीका से, सर फोड़ देते हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ एससी एसटी एक्ट ही लगेगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपके ऊपर तो आईपीसी की धारा लगेगा ही लगेगा, जो नॉर्मल धारा जो लगता है मारपीट के लिए, बाकी जो लगता है सेक्शन लगता है, गंभीर धारा लगता है, वो तो लगेगा ही लगेगा, संज्ञेय असंज्ञेय तो अलग है, आईपीसी की धारा लगेगा ही। इसके अलावा अलग से फिर एससी एसटी एक्ट भी लगेगा, दो दो तरह के एक्ट आप पर लगेगा और आप बुरा तरीका से फंस सकते हैं, क्योंकि दलित, महादलित, आदिवासी, जिसे हम एससी एसटी कहते हैं, ये शुरू से ही शोषित रहा है, इस पर जुर्म होता आया है, अत्याचार होता आया है, अभी से नहीं, प्राचीन काल से माना गया है कि प्राचीन काल से ही इनके साथ भेदभाव आता रहा है, छुआछूत लोग करते हैं इनके साथ, इनके साथ खाना पसंद नहीं करते हैं, मोहल्ले में रहते तो कुछ लेन देन करना पसंद नहीं करते हैं लोग। अब तो हालांकि नॉर्मल हो गया है, 21वीं सदी में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम जगह पे ऐसे देखने को मिल रहा है जहाँ पे शिक्षा की कमी है, लेकिन सुदूर गांव में अभी भी जाएंगे तो एससी एसटी के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, मारपीट होता है, उनके महिलाओं से छेड़खानी की जाती है, उनके घर के पुरुष को कुछ समझा नहीं जाता है, बधुआ मजदूरी कराया जाता है, ऐसा है अभी भी बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन बहुत कम संख्या में। तो ये कानून बना 1989 में, हालांकि इससे पहले 1955 में बना हुआ था अनुसूचित जाति अधिनियम 1955, लेकिन उस कानून के तहत लोग बच के निकल जाते थे, वैसा कोई गंभीर सजा का प्रावधान नहीं था, इसीलिए इसे संशोधन करके फिर से इसे नए तरीके से लागू किया गया 1989 में, और ये जो बनाया गया इसमें बहुत ही सख्त सख्त निर्देश दिया गया है और सख्त सजा का प्रावधान है। अब सजा क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए तो विशेष अदालत भी बना हुआ है, आर्टिकल 14 ये अधिकार देता है कि इसके लिए विशेष अदालत हर जगह बनाया जाए, तो बहुत सारे जिलों में, लगभग सभी जिलों में विशेष अदालत बना हुआ है एससी एसटी के लिए, लगभग सब जगह बना हुआ है, कहीं नहीं भी हो सकता है, लेकिन लगभग सभी जिलों में बना हुआ है। इसके अलावा कहीं कहीं किसी किसी राज्य में विशेष थाना भी बनाया हुआ है, जो एससी एसटी के नाम से एससी एसटी थाना अलग बना हुआ है, जहां जाकर सिर्फ एससी एसटी ही कंप्लेन कर सकते हैं, और वहां पे इंक्वायरी का भी, इन्वेस्टिगेशन का भी एक तय सीमा किया गया है, 60 दिन में इंक्वायरी करके देना है, इन्वेस्टिगेशन करके देना है, अगर इस तरह का एससी एसटी का कोई केस आता है, कोई मामला आता है तो, और जल्द से जल्द फैसला भी कोर्ट को सुनाना है। इन्वेस्टिगेशन का तो टाइम मात्र 60 दिनों का है, और उसके बाद भी जब कोर्ट में जाते हैं, एससी एसटी कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ भी फास्ट ट्रैक कोर्ट उसे माना गया है, बहुत जल्द से जल्द इसका जजमेंट आने का संभावना रहता है। अगर एससी एसटी एक्ट आप पर लग जाता है तो 6 महीने से लेके उम्र कैद तक सजा हो सकती है। अब ये नहीं कि उम्र कैद ही हो जाएगी, और ये नहीं कि 6 महीने ही सजा होगी, ये नहीं कि जुर्माना होगा, आपको बता दूं कि जैसा अपराध होगा उस हिसाब से आपको सजा होगी, जैसा गंभीर अपराध होगा मिनिमम 6 महीने से स्टार्ट होगा, आपको 3 साल 4 साल 10 साल 20 साल का भी सजा हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है किसी किसी मामले में, कि सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये बहुत ही गंभीर धारा माना गया है, इससे कोई बच नहीं सकता। इसमें जैसे ही एफआईआर होगी, जैसे भी एफआईआर हो गया, तुरंत आपकी गिरफ्तारी होगी, तुरंत आपकी गिरफ्तारी होगी, और आपको निचली अदालत से बेल नहीं मिलेगा, निचली अदालत से बेल नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हाई कोर्ट से इसका बेल मिलता है, हाई कोर्ट से ही प्रावधान है कि बेल मिलेगा आपको। लेकिन 2016 में इसमें कुछ संशोधन किए गए,
2016 में कुछ संशोधन किए गए, आपने देखा होगा पूरे देश में बहुत बवाल भी हुआ था, बहुत बवाल भी हुआ था, पूरे देश को बंद कर दिया गया था एससी एसटी वालों की तरफ से और इसका व्यापक विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संशोधन करके इसमें 2016 में कुछ संशोधन किया गया था। यह संशोधन किया गया था कि पहले हाईकोर्ट से ही जमानत होता था, इस मामले में हाईकोर्ट से ही जमानत होता था, निचली अदालत से आपको जमानत नहीं होता था, यहाँ तक कि एंटीसेबिलिटी बेल तक नहीं मिलता था आपको। तो अभी भी उतना हल्का इसको नहीं किया गया है, जो था पहले कानून 1989 वाला वही चल रहा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का संशोधन किया गया। पहले था कि मैंने आपको बताया कि जैसे एससी एसटी एक्ट आप पर लग गया, कोई भी आकर एससी एसटी है, अगर दलित महादलित आदिवासी है, आपके खिलाफ एफआईआर करा दिया, तुरंत आपकी गिरफ्तारी होती थी, गिरफ्तारी हो गई और बेल आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, इसके लिए आपको हाईकोर्ट जाना होता था, हाईकोर्ट से बेल मिला तो मिला, नहीं तो नहीं भी मिल सकता था, लेकिन हाईकोर्ट से ही बेल होता था और ज्यादातर मामलों में हाईकोर्ट से ही बेल हो जाता था, लेकिन ये गारंटी नहीं था कि हाईकोर्ट से भी आपको बेल हो जाएगी, तो बहुत परेशानी होता था। क्योंकि इसमें क्या है, आपको बता दूं कि एक मामला आया था 2016 की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये क्यों इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया कि 2016 में 11060 मामला आया था, मतलब इस तरह का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत 1160 मामला आया था, जिसमें 905 मामला झूठा पाया गया था, मतलब कि 10 से लेकर 15%। अगर वहां 2016 से लेकर अभी तक का रेशियो आप देखेंगे तो जितने भी केस जाते हैं एससी एसटी एक्ट में, उसमें से 10 से 15% केस पाया गया है कि झूठा होता है, बिल्कुल फर्जी होता है। किस तरह का होता है, जैसे कि आप दोनों दोस्त हैं, किसी पैसे का लेन देन है, जैसे एससी एसटी से आपकी दोस्ती है, आप स्वर्ण जाति के हैं या फिर पिछली जाति से, मतलब उस जाति से नहीं है, अलग जाति से, सिर्फ झगड़ा होता है किसी कारण से और आप पर एससी एसटी एक्ट का मुकदमा कर दिया जाता है, या फिर पड़ोसी से झगड़ा होता है और आप पर एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया जाता है, या फिर जमीन का विवाद होता है, किसी और चीज का विवाद होता है, किसी भी प्रकार का विवाद होता है, झूठा मुकदमा में फंसा दिया जाता है, एससी एसटी एक्ट लगा दिया जाता है, बाकी तो आपको जो सेक्शन लगना हो तो लगता है, इसके अलावा एससी एसटी में इसलिए आपको घसीट दिया जाता है ताकि आपको परेशानी हो, आपको लंबा सजा हो और हाईकोर्ट तक आपको दौड़ना पड़े। तो लोग फायदा भी उठा रहे हैं इसका गलत, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करते, हकीकत में भी लोगों के साथ अपमान होता है, लोगों को जाति सूचक गालियां दी जाती है, छोटी जातियां वालों को अभी भी अपमान किया जाता है, मारपीट किया जाता है, मैंने आपको बताया कि बहुत कम संख्या में अभी है लेकिन हो रहा है, अभी भी हो रहा है, सुदूर गांवों में हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक का सजा का प्रावधान है, वो कोर्ट पे निर्भर करता है, केस के नेचर पे निर्भर करता है कि कोर्ट किस हिसाब से आपको सजा दे रही है। तो दोस्तों आपके आसपास कोई एससी एसटी रहता है, मतलब दलित महादलित आदिवासी कोई भी रहता है, तो आप उसे जाति सूचक शब्द न बोले, जाति देखकर अपमान न करें, जाति के नाम से गाली न दे, उसका किसी भी तरह के उससे भेदभाव न करें, छुआछूत न करें, या फिर किसी भी प्रकार से उसको हरासमेंट न करें, उसे परेशान न करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके लिए विशेष अलग कानून बना हुआ है जो मैंने आपको बताया आज की एससी एसटी एक्ट के बारे में बताया। हालांकि मैंने ये भी बताया कि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, तो दुरुपयोग हो रहा है, आप परेशानी में पड़ते भी हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन होता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपको गलत फंसा दिया जाता है, कहीं कहीं मामला ज्यादातर सही ही होता है, कुछ मामलों में गलती होती है लेकिन ज्यादातर मामला सही ही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने संक्षेप में जानकारी देने की कोशिश की, फिर भी इतना लंबा हो गया, अगर मैं विस्तार से बताऊं इसे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब कि ये 1 घंटे का वीडियो भी हो सकता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबा लेकर नहीं गया, अगर बहुत ज्यादा सारा अनुच्छेद आपको बता दूं, सारा सेक्शन बताऊं, तो ये आपको 1 घंटा से ऊपर का वीडियो होगा, लोग देखना पसंद नहीं करते इतना लंबा वीडियो, इसीलिए मैंने संक्षेप में बताया। लेकिन विस्तार से अगर जानना चाहते हैं, इसका एक एक चीज पहलू जानना चाहते हैं, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं फिर इस पर वीडियो बनाऊंगा, कुछ दिनों बाद इस पर फिर से वीडियो बना सकता हूं, आप अगर डिमांड करेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप कहेंगे इसके अलावा किसी और मुद्दे पर वीडियो चाहिए, कोई भी अलग मुद्दे पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस मुद्दे पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल घंटी है उसको दबा लें। लेकिन मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, पहले से आप सब्सक्राइबर है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आपका, मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।